नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह बोले, जनता पर नहीं पड़ेगा वोटर सेस का बोझ, संसाधन बढ़ाने को कदम उठा रही है सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाया गया है ताकि प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं को और बल मिल सके, लेकिन जनता पर इसका कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के अधिकारों के लिए केंद्र सरकार से भी इस बारे में निरंतर संवाद कर रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वे सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, एनजीटी भर्ती में लेंगे 2 साल का डिप्लोमा। स्कूलों के लिए एनसीटीई द्वारा मापदंड तय किए गए हैं, उसी के अनुसार एनजीटी भर्ती में होगी। प्री प्राइमरी कक्षाओं में छात्रों के एनरोलमेंट को ध्यान में रखते हुए एनजीटी भर्ती स्कूल में की जाएगी। रोहडू परिधि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए 2 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। पूर्व सरकार में बार बार ये मसला कैबिनेट में गया, लेकिन एनसीटीई के आदेशों के चलते इस पर बार बार विचार करना पड़ा। वर्तमान सरकार ये पहले ही स्पष्ट करना चाह रही है कि हर भर्ती में नियमों का पालन किया जाए। हिमाचल के 30,000 राशन कार्ड सदस्यों की डबल एंट्री रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल में 30,000 ऐसे राशन कार्ड सदस्य हैं जिनकी पोर्टल पर एंट्री दिखाई जा रही है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग की रिपोर्ट में खुलासा किया है। विभाग की ओर से इन लोगों की पहचान की जा रही है। पंचायत सचिवों और डिपो धारकों से इनके फोन नंबर लिए जा रहे हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिलों से 31 मार्च तक राशन कार्ड का रिकॉर्ड मांगा है। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक भारत में एक ही स्थान पर राशन कार्ड होना चाहिए। प्रदेश सरकार ने खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग को आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड की वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिकन कोयले की मार, 1 अप्रैल से 1,000 रुपए तक बढ़ेंगे ईंटों के दाम, घर बनाना होगा और महंगा। घर बनाना अब और महंगा होने वाला है। अमेरिकन कोयले की कीमतें बढ़ने से ईंटों के दाम भी 1 अप्रैल से प्रति 1,000 रुपए तक बढ़ेंगे। आम आदमी अभी सीमेंट सरे की बड़ी कीमतों के झटके से उबर नहीं पाया कि अब ईंटों के दाम बढ़ने वाले हैं। इस समय प्रदेश में ईंटों के दाम 6,500 से लेकर 13,000 रुपए तक प्रति 1,000 है। ईंट के दाम बढ़ने का मुख्य कारण इसके निर्माण में इस्तेमाल अमेरिका से आयात किए जाने वाले कोयले के दाम बढ़ना माना जा रहा है। अधिकतर भट्टा मालिक ईंट पकाने के लिए अमेरिका से आयात कोयला इस्तेमाल करते हैं। फिर सड़क पर उतरा स्वर्ण संगठन, आरक्षण न देने पर बिफरे विधानसभा सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन। गरीब लोगों को आरक्षण देने की मांग को लेकर स्वर्ण संगठन की फिर से सड़कों पर उतरे हैं। देवभूमि स्वर्ण संगठन के आक्रोश पैदल रैली शिमला पहुंची। यहां संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। देवभूमि स्वर्ण संगठन के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार जाति भेदभाव कर रही है। हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछना चाहते हैं कि क्या स्वर्ण समाज के बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होते? रूहानी व शमशानी इलम के माहिर हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान, फोन घुमाएं घर बैठे समाधान पाएं। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, ग्रह क्लेश, जादू टोना, किया किराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, संपर्क करें, 100% पक्का समाधान पाएं। स्पेशलिस्ट मुठकर्णी व वशीकरण, देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहनें अभी फोन करें। बाबा सरताज खान, मोबाइल नंबर 8800124286।